हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के चैनल पे। बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। वो चैप्टर हमने खत्म कर लिया। उसके बाद यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स भी हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर क्या है बेटा, पहला है। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्यों होते हैं, ये हमारा टॉपिक का नाम है बेटा, वाई डू वी फॉल इल, ठीक है ना। ये टॉपिक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाई डू वी फॉल इल, ये वाला बेटा क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में आपने पढ़ रखा होगा पहले से। ये लेक्चर नंबर 1 है, व्हाई डू वी फॉल इल, कि बीमार क्यों पड़ते हैं बेटा। तो बीमार हम बैक्टीरिया के वजह से, माइक्रोब के वजह से, वायरस के वजह से, फंगी की वजह से क्या होते हैं, हम लोग हो जाते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहला हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हेल्थ क्या होता है, हेल्थ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू WHO बेटा, जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ सिस्टम होता है वो रेगुलेट करता है, अमेरिका है बेटा, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मेन ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा में इसकी मेन ऑफिस है। और इस वाले ऑफिस में हम क्या करते हैं, पूरे भारत में जो भी होता है बेटा, पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या कुछ भी पड़ेगा तो वो रेगुलेट करता है और अपनी बातों को रखता है। तो जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्जांपल दिया, एक डिफिनेशन दिया, एक पैरामीटर दिया कि एक ह्यूमन को स्वस्थ रहने के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन को रखने के लिए बेटा 3 पैरामीटर उसने बनाया। क्या क्या, फिजिकल, मेंटल, सोशल। अगर इस तीनों से क्या है बेटा, कोई आदमी फिट है तभी उसे हेल्दी बोलेंगे, वरना हेल्दी हम क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेल बीइंग को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हेल्थ कहते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। ये क्या हो गया हमारा, हेल्थ हो गया। तो हेल्थ को डिफाइन करने के लिए क्या, WHO ने एक पैरामीटर बनाया कि अगर कोई भी इंसान इस 3 पैरामीटर को क्या करता है, फॉलो करता है, कौन कौन वाला बेटा, कौन कौन वाला, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग ये क्या किया गया, एक डिफिनीशन बनाया गया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग सोशल, मेंटल एंड फिजिकली। द कंडीशन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर क्लीन सराउंडिंग, अपने क्या करना है, सराउंडिंग को क्लीन करना है, गुड सीवेज, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड रेन वाटर डिस्पोजल, क्या करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, ठीक है, और रेन वाटर को डिस्पोजल कर देना है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी क्या करेंगे, उसको स्वच्छ रखेंगे, एडिक्यूट नाइट्रस फूड्स को भी क्या करेंगे, क्लीन रखेंगे, सोशल इक्विटी एंड हारमोनी, मतलब क्या होगा, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ क्या होगा बेटा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। और हेल्थ का ये क्या हो गया, रखने के लिए एक तरीका हो गया। अब हेल्थ, हेल्थ वर्सेस डिसीज में क्या अंतर होता है, हेल्थ वर्सेस डिसीज में क्या अंतर होता है, ये फटाफट हम देखेंगे, ठीक है ना बेटा, देखिएगा। तो सबसे पहला, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिसीज फ्री, हेल्दी और डिसीज फ्री क्या होता है। इसके पहले आइए मैं आपको 1-2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, कि बचपन में आप कभी न कभी बीमार पड़े होंगे, अभी बीमार पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके जो अंदर आपको मनोस्थिति जो होता है वो डॉक्टर के सामने एक्सप्रेस करते हैं कि गले में हेडेक हो गया है, सॉरी सर हेडेक है और गले में क्या है, पेन हो रहा है, थ्रोट इन पेन, मतलब पेन हो रहा है। तो आपका ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर के सामने क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो जो आपने डॉक्टर के सामने एक्सप्रेस किया वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिम्टम, क्या हो जाएगा, सिम्टम। और डॉक्टर ने इस सिम्टम को क्या किया, एग्जामिन किया, डॉक्टर ने इस सिम्टम को क्या किया, एग्जामिन किया। एग्जामिन मतलब कि ऑब्जर्व किया और देखा, देखा तो उसने लिखा बेटा ब्लड टेस्ट, टेम्परेचर, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो सिम्टम क्या होता है, जो पेशेंट डॉक्टर के सामने एक्सप्रेस करता है उसे बोलते हैं सिम्टम, और जो डॉक्टर क्या करता है, जो डॉक्टर क्या करता है, उसको एग्जामिन करता है, ऑब्जर्व करता है, वो हो जाता है
साइन और उस साइन के बेसिस पे वो डॉक्टर क्या करता है, दवा लिखता है और बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए हम देखेंगे बीइंग हेल्दी क्या होता है और बीइंग डिजीज फ्री क्या होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल टू फंक्शन प्रॉपरली फिजिकली मेंटली एंड सोशली, ये हेल्थ हो गया। इट इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत के लिए और सोशल के ऊपर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ए हेल्दी पर्सन विल बी फ्री ऑफ डिजीज, एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, डिजीज से फ्री होता है। ए हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग एज नीडेड, क्या होगा बेटा, एनर्जेटिक होगा और डिजीज से फ्री होगा, ये हेल्दी हो गया। अब बींग डिजीज फ्री, डिजीज फ्री क्या होगा, इट इज अ स्टेट इन विच देयर इज नो डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब उस पूरे बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डिजीज फ्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिजीज फ्री बोलेंगे। उसके बाद इट इज अ इंटायरली अप टू द इंडिविजुअल, क्या होगा, इंडिविजुअल पूरा ठीक ठाक होगा। अ डिजीज फ्री पर्सन में और में नॉट बी हेल्दी, ये डिजीज फ्री पर्सन क्या होगा, हेल्दी भी हो सकता है और हेल्दी नहीं भी हो सकता है। और डिजीज फ्री पर्सन परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द नेचर पर्सनल एटीट्यूड, क्या होता है बेटा, जो डिजीज फ्री होता है वो उसके नेचर पे उसके एटीट्यूड पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि बीइंग हेल्दी क्या होता है और डिजीज फ्री में क्या अंतर होता है, ये बता दिया। चलिए इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिजीज एंड इट्स कॉजेस, डिजीज एंड इट्स कॉजेस क्या होता है, डिजीज एंड इट्स कॉज क्या होता है, ये देखेंगे। तो लिखा है बेटा डिजीज एंड इट्स कॉज में, ह्यूमन हेल्थ गेट निगेटिवली अफेक्टेड ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल, ठीक है, मेल फंक्शनिंग साइकोलॉजिकल रीजन और पैथोजोनिक ऑर्गेनिज्म, द टर्म डिजीज मीन्स डिसकम्फर्ट। इंसान बेटा ह्यूमन का हेल्थ क्यों खराब होता है, निगेटिवली अफेक्ट ड्यू टू फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल निगेटिव इफेक्ट की वजह से, मेल फंक्शन के वजह से, साइकोलॉजी के वजह से, साइकोलॉजिकल, और क्या होगा, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के वजह से। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे में, उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो डिसीज को कैरी करता है हम उसे वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। तो डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसकम्फर्ट, इस डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसकम्फर्ट। अगर हमारे अंदर क्या हो रहा है, कुछ डिसकम्फर्ट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिसीज बोलेंगे, ठीक है ना। डिसीज कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ मेल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन, जब डिसीज होगा तो हमारा अंदर क्या होगा बेटा, जो मेल फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, काम करने में मन नहीं लगता, उसे डिसीज बोल देंगे, ठीक है। द डिसीज कैन बी कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, डिसीज किसकी वजह से, तो उसका फॉलोइंग रीजन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पहले नंबर पे क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेट एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड, ठीक है, क्लाइमेट की वजह से और इंडस्ट्रियल जो हजार्ड होता है उसके वजह से क्या हो जाएगा, हम डिसीज हो सकता है। इनफेक्टिव एजेंट वायरस फंगी प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, इन्फेक्टिव एजेंट वायरस बैक्टीरिया फंगी की वजह से क्या हो जाता है, इंसान को डिसीज हो जाता है। जेनेटिक डिसेबिलिटी, जेनेटिक डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो पैदा होने के साथ ही क्या होता है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसे जेनेटिक डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारा क्या, डिसीज एंड इट्स कॉज, डिसीज क्या होता है और किसके वजह से डिसीज होता है, मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ डिसीज, डिसीज का बेटा क्या सोर्सेस होता है, डिसीज का क्या सोर्सेस होता है वो देखेंगे, ठीक है ना, पढ़ते हैं और समझते हैं। द वाइटल फैक्टर विच कॉज डिसीज आर, वाइटल फैक्टर विच कॉज डिसीज आर, देखिएगा, एक्सटर्नल फैक्टर, सबसे पहला क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा, और दूसरा क्या होगा, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है, बाहर वाला, क्या होता है, बाहरी वाला को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं, बाहर से जो हमको मिल जाए, और इंटर मतलब जो हमारे अंदर ही हो, उसे क्या करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स। आइए तो समझते हैं, द डिसीज कॉजिंग एक्सटर्नल एजेंट, डिसीज कॉजिंग एक्सटर्नल एजेंट को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, देखिएगा, कॉजिंग एक्सटर्नल एजेंट विच एंटर द ह्यूमन बॉडी,
कोई बेटा एजेंट होता है जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटर करता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एंटर कर लिया, बाहर से एंटर कर लिया, रेफर टू एज अ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बेटा मॉस्किटो है, यहाँ पर कोई मॉस्किटो है और ह्यूमन बीइंग को क्या किया, आकर के बाइट कर लिया, उसके अंदर क्या होता है, पैथोजेंस होता है, वो पैथोजेंस कहाँ चला जाएगा, ह्यूमंस के ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, मलेरिया, रेबीज, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री इटीसे। नाइट ब्लाइंडनेस, मलेरिया, रेबीज क्या हो जाएगा, हो जाता है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होगा, रेबीज क्या होगा, कुत्ते के काटने से होगा, और ये भी क्या होगा, मतलब बाहर से कोई एजेंट शरीर के अंदर चला जाता है, उसे एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। दूसरा है बेटा हमारा इंटरनल फैक्टर, क्या होता है, इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में क्या होगा, पहले नंबर पे होगा द डिसीज कॉजिंग फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले हम क्या बोल बीमारी को बोल देते हैं, इंटरनल फैक्टर। जैसे कि डिसीज कॉज बाय इंटरनल फैक्टर, कार्डियक फेल्योर, मतलब हार्ट क्या हो जाएगा, फेल्योर, यहाँ पे देखिएगा कार्डियक फेल्योर हो गया, शॉर्ट साइडनेस, ठीक है, किडनी फेल्योर और एलर्जी, क्या हो जाएगा, ये एलर्जी हो जाएगा। तो अंदर से ही मतलब कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर किसी ने अंदर से हमारे अंदर की अगर बीमारी कोई प्रोड्यूस कर देता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इंटरनल, मतलब कि हार्ट फेल्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ट फेल्योर, कार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डियल डिफ्रैक्शन, ये हमारा हो जाएगा इंटरनल इन्फेक्शन, क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे बेटा तो वो होगा हमारा टाइप ऑफ डिसीज, कॉजेज ऑफ डिसीज और एग्जाम्पल, मतलब कि कॉमन ह्यूमन डिसीज, क्या लिखा है, कॉमन ह्यूमन डिसीज। तो पहले नंबर पे टाइप ऑफ डिसीज है, किसके वजह से डिसीज होता है और एग्जांपल क्या है इसका। तो पहला है बेटा फिजिकल, फिजिकल क्या होगा, डैमेज टू बॉडी पार्ट, फिजिकल होगा तो हमारा डैमेज बॉडी पार्ट हो जाएगा, क्या क्या होगा, लेप्रोसी, बोन फ्रैक्चर, क्या होगा, लेप्रेसी और बोन फ्रैक्चर, मतलब कि जो हमारा फिंगर्स होगा ऐसे कर्ली हो जाएगा, फिर बोन फ्रैक्चर, बोन टूट जाएगा। इनफेक्शियस, फिजिकल हो गया, इन्फेक्शियस में क्या होगा, इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाई माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के वजह से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, जैसे टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया, एड्स, पोलियो, क्लोरेला, इटीसी, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। डिफिशियंसी क्या हो जाएगा, इनडेक्विट डाइट, मतलब प्रॉपर तरीके से हम डाइट नहीं लेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एनीमिया, बेरी बेरी वाटर, एनीमिया मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी, बेरी बेरी क्या हो जाएगा बेटा, बोन्स में दिक्कत हो जाएगा, ग्वाटर क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर जिसे क्या बोलते हैं, घेघा आरोप बोलते हैं, यहाँ पर बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। फिर इनहेरिटेड क्या होगा, एब नॉर्मल जीन पास फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिटेड का मतलब क्या होगा कि पापा मम्मी से जीन हमारे अंदर जो ट्रांसफर आ जाता है उसे क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड। तो उसमें क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया डिसीज कॉज होता है इनहेरिटेड से। मेंटल से क्या होगा, ब्रेन डैमेज और फिजियोलॉजिकल, ब्रेन डैमेज हो जाएगा और फिजियोलॉजिकल परेशान होगा उससे क्या कहेंगे, मेंटल। तो बीमारी डिप्रेशन और पैरानोया, पैरानोया, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन विद द फैमिली एंड फ्रेंड, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, मतलब अगर कोई समाज में क्या कर रहा है, आपको गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, अगर उसको देख कर क्या पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ स्टाइल होगा वो खराब हो जाएगा। तो ये हमारा डिसीज है बेटा, क्या ये डिसीज है, ठीक है, कॉमन ह्यूमन डिसीज है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले वाले टॉपिक पे हम क्या पढ़ेंगे, वो है बेटा डिफिशियंट न्यूट्रिएंट और डिसीज, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ठीक है। आपने ये बचपन में टॉपिक पढ़ रखा है लेकिन ये वापस से हम पढ़ेंगे। अगर विटामिन ए की कमी होती है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमको कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सर ये तो बचपन वाला है, कोई बात नहीं, ठीक। दूसरा, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है, सिलोसिस। विटामिन बी ट्वेल्व, पेरिनियोसिस।
अनेमिया, पेरिनियोसियस एनेमिया हो जाएगा, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी क्या हो जाएगा रिकेटस, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन की ब्लेंडिंग डिसीज, आयरन क्या होगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया, फ्लोरीन क्या होगा डेंटल कैरीज, और आयोडीन की वजह से क्या होगा क्वार्टर। तो इस न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से ये क्या होगा बेटा हमारे अंदर डिसीज हो जाएगा, ठीक है ना, आपको बेटा ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या है लेबल्स ऑफ इमीडिएट कॉजेस, लेबल्स ऑफ इमीडिएट कॉज, लेबल ऑफ इमीडिएट कॉज का मतलब क्या है वो देख लेते हैं बार फटाफट। देखिए द ऑर्गेनिज्म विच एंटर्स आवर बॉडी, द ऑर्गेनिज्म विच एंटर्स आवर बॉडी एंड कॉज द डिसीज इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाकर के एंटर कर लेता है उसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं इमीडिएट कॉजेस। दिस कॉजेस एग्जिस्ट इन द वेरियस लेवल ऑफ विच आर फर्स्ट लेवल, क्या होगा फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो फर्स्ट लेवल में क्या होगा देखिएगा, कोई भी अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर जाएगा तो जब एंटर करता है ठीक है तो उसे ही क्या बोलते हैं हम क्या बोलेंगे इमीडिएट कॉज, ठीक है। फर्स्ट लेवल दे आर द मेन कॉज्ड बाय विच द डिसीज हैपन एंड वी फॉल इल, पहली बार क्या होगा हम बीमार पड़ जाएंगे। माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लेवल कॉज आर नोन एज पैथोजन, मतलब कि ये वाला जो है देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा क्या है एक पैथोजन है, ये क्या है कोई पैथोजन, पैथोजन क्या किया ह्यूमन के अंदर चला, ह्यूमन के अंदर गया फिर डिसीज कॉज किया। दूसरा दिस कॉज आइदर मेक अ पर्सन प्रोन टू कैच अ डिसीज आर क्रिएट कंडीशन दैट प्रमोट सक्सेसिबिलिटी टू डिसीज, ठीक है ना। एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आर सेकेंड लेवल, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा बेचारे को। तीसरा सेक्टर सब जो पब्लिक हेल्थ सर्विस सच आर इम्प्रूवर, ठीक है मतलब कि क्या हो जाएगा पूरा यहाँ पर क्षति हो जाएगा। तो ये हमारा लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉज है, ठीक है फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल के वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होता है बेटा, ऐसा डिसीज, एक्यूट डिसीज क्या हो जाएगा ऐसा डिसीज जो क्या होता है कम टाइम के लिए होता है, क्या होता है कम टाइम के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट डिसीज। आइए देखते हैं, लिखा है एक्यूट डिसीज रेफर्स टू अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर सडनली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देयर सिम्टम आर क्लियरली विजिबल इन द बॉडी, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इसके जो सिम्टम होते हैं वो क्लियरली क्या होते हैं विजिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ये कॉमन कोल्ड वो क्या आ जाएगा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और क्लोरेला, ये क्या हो जाता है बीमारी हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे एक्यूट, जो कम टाइम के लिए होता है वो क्या हो जाएगा एक्यूट डिसीज हो जाएगा, एक्यूट डिसीज। आइए अब अगले तरफ पढ़ेंगे तो क्या होगा क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज का मतलब क्या होता है जो लंबे टाइम तक चलने वाला जो डिसीज होता है वही क्या होगा क्रॉनिक डिसीज, क्या हो जाएगा क्रॉनिक डिसीज। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया क्रॉनिक डिसीज रेफर्स टू अ मेडिकल कंडीशन, रेफर्स टू अ मेडिकल कंडीशन विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, लॉन्ग टर्म होता है और हमारे इफेक्ट को ज्यादा क्या करता है प्रॉब्लम में डाल। जैसे एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस, तो ये हमारा क्या हो गया एलिफेंटियासिस। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज क्या हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, अथराइटिस, अथराइटिस, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारा डिसीज हमारे अंदर हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे क्रॉनिक डिसीज बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे क्रॉनिक डिसीज बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होता है ऐसा डिसीज जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू एनदर पर्सन, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी से क्या होता है डिसीज ट्रांसफर होता है
ट्रांसमिट होता है उसे बोल देते हैं इनफेक्शियस डिसीज। ठीक है, पढ़ते हैं। इनफेक्शियस डिसीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड पैरासिटिक। किसी पैथोजन पैथोजन की वजह से क्या होता है, डिसीज कॉज होता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इन्फेक्शियस। दे आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब बातचीत करने से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट और अदर एजेंट। ह्यूमन के वजह से, एनिमल्स के वजह से, किसी अनदर एजेंट की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। रेबीज, मम्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, एलिफेंटियासिस, सार्स, मिलेसिस, कॉमन कोल्ड, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सारा जो डिसीज है बेटा वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब कि कहीं ना कहीं किसी माइक्रोब्स के वजह से क्या हुआ, ये डिसीज ट्रांसमिट हुआ, किसी पैथोजेंस के वजह से ट्रांसमिट हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस डिसीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस डिसीज होगा। ठीक है, इसके बाद से हमारा जो होगा वो क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट। कि क्या क्या इन्फेक्शियस एजेंट होता है। इन्फेक्शियस एजेंट में सबसे पहले नंबर पे जो होगा, ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज आर द क्लासिफाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। डिसीज कॉज बाय वायरस, वायरस से डिसीज जो कॉज होने वाले होते उसका नाम कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स, ये बेटा वायरस से होता है। ठीक है ना, डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्लोरेला, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, एंथरेक्स, ईटीसी, ये क्या होगा, बैक्टीरिया से होगा। फंगी से क्या होगा, रिंग वर्म, एथलीट्स फुट, स्किन इन्फेक्शियस, ईटीसी, ये क्या होगा, फंगी से हो जाएगा। डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, काला आजाद, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है, मलेरिया क्या होता है, पैथोजन से होता है। ठीक है, डिसीज कॉज बाई वर्म्स, वर्म्स में क्या होगा, इंटेस्टाइनल वर्म्स, इन्फेक्शन, एलिफेंटियासिस, ये क्या हो जाता है, वर्म से हो जाएगा। तो ये है बेटा हमारा रिंग वर्म, ठीक है, काला आजार इससे बोलते हैं, और मलेरिया ये हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया इन्फेक्शियस एजेंट, क्या हो गया बेटा, इन्फेक्शियस एजेंट हो गया। ठीक है ना, तो इस वाले बेटा हमने अभी आज ये रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, ये रहने देते हैं, बाकी हम क्या करेंगे बेटा, बाकी हम कल देखते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, कल मिलते हैं और इससे आगे वाले जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, मतलब कि इन्फेक्शियस हो गया, अब हम नॉन इन्फेक्शियस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके एक जो एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।